तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा ये प्राणी यहाँ बैठा है। जबाला, दाला। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। मारा वहाँ भी मारा। जनरल बाबा ने रोता क्यों, आपका ही मां जाना। हाँ यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, ये ले प्लेट ले दो। ये किस जानवर की चमड़ी है? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा। अचार जोइए छे। हाँ जोइए छे। आले चार, एक बे तीन चार, ये क्या है? चार पांच छ। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए। गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा। हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू क्या हुआ? तो साबू मैं कह रहा था, टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मैम साहब की। अच्छा तो ये है श्रुति का पति? क्या बकवास कर रहा तू, मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं? साला डोंकी, ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मैम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मैम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा क्या बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता। दबा रहे थे। ए सो जा।
क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। ए, ए, साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है, इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ कर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठे दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन अकबर तेरे सपने में समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया।